अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छी से लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। काफ़ी दिनों से ना सोच रहे थे व्लॉग बनाने का, तो यूट्यूब पे देखता रहता था अक्सर, तो अंदर एक मोटिवेशन आती थी कि मैं भी बनाऊँ, लेकिन बड़ी ना झिझक आती थी बनाते हुए। तो आज हिम्मत करके निकले हैं हम दोनों, साथ कज़न है, तो मैंने कहा शुरू करें आज फिर। तो ये बीच ना आप आए हैं, तो अब देखा आपको सारा व्यू दिखाते हैं इधर का। तो बस अब मेरी वीडियो को ना लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपने ही मोटिवेशन देनी है, तो तभी फिर और व्लॉग शुरू करेंगे, वरना मुझे तो अभी भी बहुत ना हो रही है, झिझक सी आ रही है। कभी पहले ऐसा कुछ किया ही नहीं इसलिए। तो चलें आपको फिर व्यू दिखाते हैं, आप व्यू देखें सारा। देखा आपने, पानी इतना कुछ खास नहीं है, आगे आगे ही है, इधर तो सारा सूखा ही हुआ, रेत ही रेत है। तो लोग आ जा रहे हैं, आज वैसे भी सैटरडे है लेकिन आज तो कम ही रश है। तो हम निकले थे, मैं तो इसीलिए इधर आया हूँ कि कोई बंदा नहीं होगा तो वीडियो बना लें, नहीं तो मुझे किसी के सामने तो बहुत शर्म आती है बनाते हुए। तो अब इधर से निकलते हुए फिर आपको व्यू दिखाते हैं सारा रास्ते का। तो बस गाइस साहब, हम पुल से नीचे जा रहे हैं, तो आपको फिर रास्ते का सारा व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये रेत आ गई और अब हम फंस गए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम निकल जाएं, आखिर इन्होंने जोर लगा लगा के निकाल ही लिया, लेकिन आगे अभी रेत ख़त्म नहीं हुई। रेत भी कहती है हम तुमको जाने नहीं देंगे, लेकिन हम भी जा के दिखाएंगे इसको। और इनको ज़रा बाइक चलाने की तमीज़ नहीं है, गियर भी नहीं निकालते, बाइक पर जुल्म करते हैं भाई। पहले गियर में पहले गेयर में इनसे चलाया नहीं जा रहा बाइक, नए नए ड्राइवर हैं इनको इधर ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। अब हम शायद वापस जा रहे हैं, या शायद वापसी पे पार्क से होते चले, फिर आपको उधर जा के सारा पार्क का व्यू दिखाते हैं। तो ब्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा। भाई ये वापस होने हैं, आपको ये व्यू दिखाना था, बड़े मज़े का व्यू है, मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोगों को पता नहीं आता कि नहीं, ये व्यू चेक करें। बाकी फिर आपको उधर पार के आके तो फिर वहाँ से शुरू करते हैं अपना व्लॉग आगे। जी अभी भी ना अजीब सी हो रही है, झिझक सी,
लेकिन कोई नहीं, आस्ता आस्ता हो जाएगा सही। ओके फिर बाकी बातें फिर उधर जाके करते हैं। गाइस हम पार्क आ गए हैं, शहबाज शरीफ पार्क। फ़ोन भी बोल पड़ा, बैटरी भी बस 20% ही रह गया, तो अब जितनी बन गई उतनी बना लेंगे फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो आपने बस सपोर्ट करते रहना। पार्क का व्यू अब आगे से भी आपको दिखाते हैं जाके। गाइस हम पार्क आ गए हैं, शहबाज शरीफ पार्क। फ़ोन भी बोल पड़ा, बैटरी भी बस 20% ही रह गया, तो अब जितनी बन गई उतनी बना लेंगे फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो आपने बस सपोर्ट करते रहना। पार्क का व्यू अब आगे से भी आपको दिखाते हैं जाके। गाइस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं और चली जा रहे हैं। और पार्क में बस गार्डन ही गार्डन है, झूले वगैरह भी नहीं है इतने ज़्यादा, ये ज़मीन ही है सारी। गार्डन वगैरह को व्यू दिखाते हैं इसका दोबारा से, देखें आप ये देखें। कोई इतना ख़ास नहीं बना हुआ, बस जगह ही है, इतनी जगह इन्होंने रखी हुई है पार्क के लिए और पार्क में आए कुछ नहीं। यही किसी अच्छी जगह पे यूज़ होती ना ये सारा ज़मीन, तो आज इधर यहाँ कोई बड़ा सा हॉस्पिटल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह की बनी होती, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर ही है। सबसे बड़ा कह लें और अच्छा साफ ही होता है, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, ये बात है अच्छी कि पार्क साफ होता, गंदा नहीं होता। आगे अब जा रहे हैं, आगे तो कुछ है नहीं दिखाने वाला, लेकिन हम जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो नज़र आ ही जाएगा, फिर आपको दिखा देंगे। स्टेडियम आज तो सब कुछ ही बंद पड़ा हुआ, शायद कल संडे या कल खुल जाए। बहुत बड़ा पार्क है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। आगे भी सारी यही हैं, अब शायद इधर से निकलने वक्त फिर आप दिखाते हैं आपको घर जाते हुए। गाइस थोड़ी आगे आने के बाद कुछ नज़र आए हैं, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम भी बस इधर तक आए हैं, अब इधर से वापस मुड़ने लगे हैं बस। रास्ते में फिर 20 रुपये भी दे दिए हैं, 20 रुपये है थे पास, वो भी दे दिए हैं बाहर पार्किंग के। फिर आपको वापस पे जाते दिखाते हैं व्यू सारा गुजरात का, गुजरात के विज़िट कराते हैं आपको। जीटी रोड्स जो कि नहीं बनी, वो ट्रेन गुजर रही है लेकिन हम बहुत दूर हैं उससे, वरना पास जाके तो बनाते। साथ ही ये रेलवे ट्रैक है ना पार के, और ये आसपास ऐसे लगता है सारा जंगल है। ये शायद किसी की जगह है डेरा टाइप घोड़ों के लिए ना, बांध रहा शायद। ये देखें वो हमारे भाई चले गए आगे, हम पीछे रह गए, हम भी उनके साथ साथ भाग भाग के पहुँचते हैं। इस पार्क तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन हमारे भाई ने भी ज़िद पकड़ लिया कि आज इसका एंड देख के ही रहना। चला रहे हैं हमें, अभी तक तो कोई एंड नहीं नज़र आ रहा, अब इसके एंड पे पहुँच के आपको दिखाते हैं इसका एंड, अगर मिल गया तो। इस आखिरकार इतना चलने के बाद एंड आ ही गया, ये देखें। और अब हमारे भाई के दिल को ठंडक हुई है, लेकिन अभी भी वो कहते हैं आखिरी तारों को हाथ लगा के वापस आना है। अभी चल ही रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तारे आ गई हैं, अब उसको जाके हाथ लगाएंगे फिर वापस आएंगे, इतना दूर जाएंगे वापस बाहर। एज़ यू कैन सी हमने ये देखे तारों को हाथ लगा लिया, ताला लगा हुआ है। अब हम शायद वापस मुड़ने लगे हैं अगर भाई का दिल किया तो, नहीं तो फिर ये शायद इसको लांग के आगे जाएंगे। ये भी पार्क का हिस्सा ही है, लेकिन ये इन्होंने शायद बंद किया हुआ किसी वजह से, देखें। ये भी पार्क का हिस्सा है,
लेकिन ये इन्होंने पता नहीं किसी वजह से बंद किया। अब हम शायद इस व्यू से जगह से जाएं, इस जंगल में से होते हुए वापस। देखें फुल जंगल वाला व्यू है, अब इससे जा रहे हैं। डर लग रहा है कोई सांप वगैरह ना निकला है। ये देखें जंगल जंगल वाली फीलिंग आ रही है। बस ये साथ है ना थोड़ा खुला सा, थोड़ी तसल्ली है, वरना जैसे यहाँ पे है ना इधर भी ऐसे ही होता ना तो फिर तो फुल हल टाइट हो जानी थी। गाइस ये भाई हमें दरख्तों से पीछे ले आए हैं, ये पता नहीं क्या जगह, डर ही लग रहा है। खुद तो जा ही जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे जा तो रहा हूँ, लेकिन ना पता नहीं क्या बनता है। ज़िंदा रहे तो आगे से आपको व्लॉग दिखाएंगे घर जाने का, नहीं तो फिर कोई ना कोई तो फिर हमारे फ़ोन से देख ही लेगा। फ़ोन की भी बैटरी 10% रह गई है, कितनी देर चलता है पता नहीं। वो शायद साथ रोड है लेकिन जालियां लगी हुई हैं, बाहर तो जाने का कोई नहीं सवाल पैदा होता। ये भाई को पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ है, जाई जा रहा है, पागल हो गया। ये आप पता नहीं किधर ले आया, वो पुल है। नहीं नहीं मुझे लगा कब्रिस्तान आ गए, ये तो वाशरूम आ गए, जेंट्स वाशरूम। गाइस ये थी वो, शायद कोई डेरा टाइप बना रहा है इधर घोड़ों के लिए ना। अब मुझे नाम तो नहीं सही इतना याद के क्या कहते हैं इसको, ये जगह घोड़ों को भगाने के लिए या रखने के लिए। मुझे भी बड़ा शौक है घोड़े रखने का, लेकिन अल्लाह ने इस काबिल किया तो इंशाल्लाह सारे शौक पूरे करेंगे। आखिरकार दरवाज़ा नज़र आ ही गया, बस निकलने लगे हैं अब यहाँ से। फ़ोन की बैटरी भी बहुत कम रह गया, अगर फ़ोन डेड ना हुआ तो आपको व्यू दिखाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम। गाइस फाटक बंद था तो अब ये पुल के नीचे से जा रहे हैं वापस। इधर किसी जब भी सफर में निकले हैं पहाड़ के निकले और वापसी में जाते हुए अगर किसी पहाड़ के जाएँ अपनी हिफाजत खुद करें। अल्लाह ताला ने कहा है मैं उसकी हिफाजत करूँगा जो अपनी हिफाजत खुद करेगा। किस्मत में जो है वो तो हो ही रहना होता है, लेकिन फिर भी बंदे को अपनी हिफाजत भी करनी चाहिए। तो अब इधर रश है तो फिर आगे जाके इधर खुली रोड आती है फिर भीड़ रिवर गार्डन के पास। तो आप लोग भी कहते होंगे कि सेफ्टी की मैं बात करता हूँ और खुद मैं साथ बाइक चला रहा हूँ साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो बात तो ये गलत है, लेकिन मैं बाइक पे नहीं देख रहा, स्कूटी की स्पीड पर चला रहा हूँ, स्कूटी के ऊपर भी जा रहा हूँ और चला भी साइड पे रहा हूँ, रोड के दरमियान में भी चला रहा हूँ। एक सोफा के नाच ना ही चलाएँ अपना ना चलाएँ बाइक जाते हुए, लेकिन मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों ने फिर कहना चाहिए खुद चला रहा है और हमें बड़ी खुशी पे खा रहा है। जैसे आप लोग मर्जी को करें, मैंने बोलना तो कोई नहीं है, कौन सा कोई किसी की सुनता है, जो जिसका दिल करता है वो नहीं करता, ब्लॉग आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके अल्लाह हाफिज़।